हेलो सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, टावर नहीं मिल पा रहा है बारिश होने के कारण और डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, लिंक नहीं मिल रही है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इस अध्याय में हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कौन से प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। इसमें हम लोग एक स्टोरी लेंगे। इसमें एक लड़की है, उसका नाम है मांबा, वो अफ्रीकन तंजानिया की लड़की है। दूसरा है पीटर, ये एक लड़का है जो न्यूजीलैंड का रहने वाला है। इसकी कहानी में पर्यावरण में कौन कौन से तत्व हैं और उसको कैसे, ये लोग का जीवन स्टाइल या लाइफ स्टाइल कैसा है। मांबा एक तंजानिया अफ्रीका की लड़की है, इसका नाम मांबा है। पानी लाने के लिए उसे जल्दी उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पानी लाने में बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ ही घंटे बाद लौटती है। इधर पीटर देखते हैं, पीटर का परिवार भेड़ पालन करता है और वे ऊन प्रक्रमण का कारखाना चलाते हैं। उनके घर में कोई कृषि कार्य नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि एक ऊन का कारखाना है जो भेड़ों से ऊन उतारते हैं। इधर मांबा को हम देखेंगे, घर के कामों में वो माँ का हाथ भी बटाती है और भाइयों के साथ बकरियों की देखभाल भी करती है। छोटी झोपड़ी और चट्टानी भूमि में वो रहती है। इसका रहने का इलाका कैसा है? चट्टानी भूमि है। आप देख रहे हैं कि वो स्कूल नहीं जा रही है, ना वो घर के कामों में ही रह रही है। पानी लेने जा रही है, फिर घर के काम कर रही है, फिर बकरियों की देखभाल कर रही है और रहती है। जबकि पीटर स्कूल जाता है और वापस आकर वो चाचा को भेड़ों की देखभाल करते देखता है, ना कि वो खुद कर रहा है। यहाँ भेड़ों का विस्तृत घास के मैदान में रखा जाता है, नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है और जैविक कृषि उगाया जाता है। इसी तरह उसके पिता कठोर श्रम करके मक्का और सेम भी उगाते हैं। तो ये इसको प्रभावित करने वाले भूमि, इसे कहते हैं भूमि के बहुत सारे प्रयोग। आज हम देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मांबा और इनकी जीवन शैली के बारे में हमने अभी अभी जाना, और इसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी शैलियों में अंतर आता है। तो जीवन शैली में अंतर के क्या क्या कारण है? पहला है भूमि की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। दूसरा है मृदा, सॉयल, यानी जैसी मिट्टी होगी वहाँ वैसा इस्तेमाल होगा। अगर चट्टानी मिट्टी है तो वहाँ चरागाह होंगे, अगर उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ कृषि कार्य होगा। फिर मृदा, मृदा उपजाऊ होनी बहुत आवश्यक है। अगर मृदा उपजाऊ है तो हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। अगर मृदा डेजर्ट बालू है तो वहाँ हम कोई उत्पादन खास नहीं कर सकते। जल, वाटर होना बहुत ज़रूरी है। कोई नदी, सागर, तालाब पास आस होने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है और हमारे उपयोग के लिए जल प्राप्त होता है। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, उस क्षेत्र में हम क्या क्या उगाते हैं। इसमें जैसे आपने देखा था कि मक्का जो है वो बाम्बा के यहाँ मक्का और सेम उगाया जाता है, तो और जबकि पीटर के यहाँ जैविक कृषि की जाती है, सब्जियाँ उगाते हैं वो लोग। जैविक कृषि का मतलब होता है बिना खाद बीजों के, खाद के जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे जैविक या बायो एग्रीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ हम बता रहे थे प्राकृतिक वनस्पति, वे प्राणियों का उपयोग, उसी प्रकार वो एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मांबा के घर में बकरी का प्रयोग किया जाता था अपने दैनिक जीवन की उपयोग को पूरा करने के लिए, जबकि पीटर के यहाँ भेड़ पाली जाती थी। फिर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। भूमि देखेंगे, लैंड एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे पूरे भूपृष्ठ पर अगर हम देखें तो 30% भूमि ही है जो रहने योग्य है, अन्य जगहों पर मनुष्य नहीं रह पाता। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जनसंख्या घनत्व तो अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। तो जनसंख्या के विभिन्न लक्षणों के आधार पर हम देखेंगे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान है, अनइक्वल है। कोई स्थान बहुत ज़्यादा घने बसे हैं, वहाँ बहुत लोग रहते हैं। कोई स्थान ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी नहीं घने बसे हैं। आप जनसंख्या का घनत्व मानचित्र इसमें देखेंगे, एटलस से हमने आपको भेज भी दिया है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है लोगों के किसी जगह पर ज़्यादा बसने के और किसी जगह पर बिल्कुल भी ना बसने के। पहला है असमान स्थलाकृति, ऊंची नीची स्थलाकृति के कारण लोग अपने निवास नहीं बना पाते, वहाँ उनकी असुविधाएँ होती हैं, परिवहन की असुविधाएं होती हैं और बहुत तरह की सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके कारण वहाँ रहना पसंद नहीं करते लोग। फिर पर्वतों के तीव्र ढालों पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। यहाँ हमने फिर से आपको यहाँ दिखा दिया है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण। भूमि पर अनइक्वल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लैंड इन वर्ल्ड,
पहला है आसमान उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, फिर पर्वतों में तीव्र ढाल जैसे एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, इन चोटियों के पर्वतीय ढालों पर कोई नहीं रहता है। फिर जलाक्रांत संभावित क्षेत्र यानी स्वैम्पी एरिया या लो लाइंग एरिया इसे कहते हैं, लॉगिंग वाटर लॉगिंग जहाँ बहुत ज़्यादा है, साइबेरिया रूस ये सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र है, इससे वहाँ कुछ भी उत्पादन नहीं हो पाता और लोग निवास भी नहीं कर पाते, लो लाइंग एरिया है। यहाँ लो लाइंग एरिया का सबसे प्रमुख कारण साइबेरिया में उसकी तीन नदियाँ हैं, ओब यानी सी और लीना, जो अंटार्कटिक आर्कटिक ओशन में जाकर उत्तर की ओर बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती हैं, लेकिन वहाँ स्नो कैप्ड होता है और वो उसका पानी वापस इस एरिया में फैल जाता है साइबेरिया में, इसीलिए वहाँ हर समय वाटर लॉगिंग रहती है। फिर मरुस्थलीय क्षेत्र ठंडा और गर्म, ठंडा भी मरुस्थल होता है और गर्म भी। ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है, मंगोलिया में है जो इसके आसपास का क्षेत्र। गर्म मरुस्थल जैसे आपका सहारा डेजर्ट, इस तरह बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ गर्म और ठंडा मरुस्थल होने के कारण लोग वहाँ कम निवास करते हैं, कनाडा, मंगोलिया, साइबेरिया। इसी तरह सघन वन या अमेजन वन के रूप में भी हम देख सकते हैं, ये एक मैंग्रोव वन है जहाँ बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट होता है, लोग वहाँ नहीं रहते हैं। इसी तरह एटलस में आप जनसंख्या घनत्व देख लेंगे, पेज नंबर 110 पे दिया है, आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 10 से भी कम लोग हैं। वो कौन कौन से इलाके हैं अगर हम मानचित्र में देखें तो, बोलिविया दक्षिण अमेरिका में, तिब्बतीय क्षेत्र, साइबेरिया रूस का क्षेत्र, सहारा अफ्रीका, अमेजन वन उत्तरी अमेरिका, मैंग्रोव वन, फिर गोभी ठंडा मुस्तर मंगोलिया में, गर्म मुस्तर सहारा में, अमेजन ग्रीन लैंड में, अंटार्कटिका महाद्वीप, त्रिस्तान दिखुना, इसको आप लोग एटलस में देखेंगे, ये दक्षिणी अमेरिका में एक ऐसा द्वीप है जो निर्जन है, निर्जन मतलब यहाँ कोई भी नहीं रहता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये काम हम देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा घना बसा हुआ है, जैसे यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है एक किलो वर्ग में किलोमीटर में ऐसे 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 एक किलो वर्ग किलोमीटर में हम जाएँ तो कितने लोगों की संख्या है। तो बांग्लादेश सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है, 500 से भी ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में। फिर भारत है, जापान है, नीदरलैंड है, USA है, चीन का पूर्वी भाग है, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, यूरोप के पश्चिमी भाग, ये यहाँ का क्षेत्र बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं और यहाँ का जनघनत्व अधिक है। अब हम देखेंगे कि लैंड यूज़ यानी भूमि का उपयोग कैसे कैसे हम करते हैं, यानी भूमि का हम किन किन रूपों में प्रयोग करते हैं, जैसे कृषि के लिए भूमि पर का प्रयोग करते हैं हम, बिना भूमि के या बिना मृदा के कृषि नहीं की जा सकती। इसी तरह आवास, अपना घर बनाने के लिए, जंगल लगाने के लिए, फॉरेस्ट्री माने जंगल या वानिकी माने जंगल लगाना, फिर खन जंगल जिससे हमें अनेक जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, फल फूल, कच्चे माल आदि मिलते हैं, फिर खनन माइनिंग के लिए धरातल बहुत ज़रूरी है, सड़कें परिवहन के लिए, उद्योगों और की स्थापना के लिए, फिर पशुपालन के लिए। आपने मांबा परिवार के पीटर के देखा कि वहाँ उनके परिवार के लोग भूमि का उपयोग किन रूपों में करते हैं, यहाँ देखेंगे मांबा के परिवार वाले भूमि कृषि, आवास और पशुपालन के लिए करते हैं, जबकि पीटर के परिवार वाले पशुपालन, आवास, उद्योगों के लिए करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप पेज नंबर 10 में भी देख सकते हैं, एक इंडेक्स दिया हुआ है और ये सारणी दी गई है। सारणी में आप देखेंगे चार पार्ट में इसे बांटा गया है, फसल भूमि, चरागाह, वन उपयोग, और सर्वाधिक फसल भूमि भारत में 57%, चरागाह भूमि है आपकी 36%, वन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है 66%, और वन अन्य उपयोग 52% कनाडा में है। इसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से उपयोग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से भौतिक कारण हैं और कौन कौन से मानवीय कारण हैं। भौतिक कारकों में स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, मिनरल्स, जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और मानवीय कारकों में आता है जनसंख्या, प्रौद्योगिकी। ये दोनों चीज़ें भूमि के उपयोग को प्रभावित करती हैं। अगर स्थलाकृति अच्छी है तो वहाँ कृषि कार्य करते हैं, अगर स्थलाकृति चट्टानी है तो उस पर पशुपालन होता है, और अगर स्थलाकृति बहुत ही ख़राब है तो हम वहाँ उद्योग लगा सकते हैं। फिर मृदा है, सॉयल है, फर्टाइल लैंड है तो हम उस पर कृषि कार्य कर सकते हैं। जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उष्ण और शीतोष्ण जलवायु हो तो हमारे लिए अच्छी है,
इसी तरह खनिज भी हमें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। कोयला हुआ, लोहा हुआ, चूना हुआ, ये सब महत्वपूर्ण खनिज है हमारे जीवन के लिए। जल की उपलब्धता पानी के रूप में नदी, कोई पास में तालाब, समुद्र, झील आदि होना आवश्यक है। जल के लिए, जल से हम सारे अपने घरेलू काम करते हैं, कृषि में भी और साथ साथ में उद्योगों में। फिर मानवीय कारकों में जनसंख्या महत्वपूर्ण है। अगर जनता ही वहाँ नहीं रहेगी तो श्रमिक रूप के रूप में कौन काम करेगा या खेती कौन करेगा? और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमें बहुत समय लगेगा किसी कार्य को करने के लिए, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण आता है। फिर जनसंख्या मनुष्य तकनीकी को क्षेत्र में भूमि उपयोग सर्वोत्तम कर सकते हैं। अगर जनसंख्या अच्छी है, मनुष्य है वहाँ पर ज़्यादा, तकनीकी है तो हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार दो भागों में बांट सकते हैं।